नमस्कार, हमारे स्पेशल शो जीएसटी पे चर्चा में आपका स्वागत है। जीएसटी एक टेक्नोलॉजी बेस्ड टैक्स है और जिसने जीएसटी को अडॉप्ट कर लिया उसे यही देखा है कि जो मैनुअल कंप्लायंस है जीएसटी के बाद बहुत कम हो जाती है। अगर बाहर से लोग देखते हैं उनको लगता है कि जीएसटी कॉम्प्लिकेटेड है, पर अगर आपके पास एक अच्छा ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है तो ना ही जीएसटी काफ़ी आसान हो जाता है, पर आपके जो एरर्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है जीएसटी के ऊपर या टेक्नोलॉजी को लेके सवाल है कि मैं टेक्नोलॉजी कैसे अडॉप्ट करूँ, क्योंकि जीएसटी में काम करना है तो टेक्नोलॉजी तो आपको अडॉप्ट करनी ही पड़ेगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है टेक्नोलॉजी को लेकर, इसी शो पे हम आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस शो में हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं जो आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ इस शो में है कपिल राणा, जो CA CPA और फाउंडर है HostBooks के। हमारे साथ हरीश केहानी भी है जो HostBooks के चैनल पार्टनर हैं राजस्थान में। विश्वजीत मिश्रा चार्टर्ड अकाउंटेंट है और चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर है HostBooks के। और हमारे साथ कमल अग्रवाल भी हैं जो एक रिनाउंड चार्टर्ड अकाउंटेंट है और एक GST एक्सपर्ट भी है। जेंटलमैन, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले कमल जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि GST कोई रोल प्ले कर रहा है इमर्जिंग इंडिया में, क्योंकि गवर्नमेंट का एक विजन है डिजिटल इंडिया में, इसमें GST का क्या पार्ट है? देखिए, GST जैसे आपने सही कहा कि एक टेक्नोलॉजी बेस्ड टैक्स है, और टेक्नोलॉजी को हम GST की बैकबोन कह सकते हैं। डिजिटल इंडिया और GST दोनों साथ साथ ही चलते हैं। अगर मैं छोटे से एग्जांपल दूं, तो मैं छोटे शहर में अपने बचपन के दोस्त से बात कर रहा था और वो व्यापार करता है, एक दुकान चलाता है, मैं GST में काम करता हूं, तो इस बारे में चर्चा बड़ी स्वाभाविक थी। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने छोटे से शहर में बैठ के आज पूरे हिंदुस्तान में अपना माल बेच पा रहा हूँ। वो कैसे बेच पा रहे हैं? आज ई कॉमर्स का समय है, उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, उन्होंने अपने जो सामान है उसकी एडवर्टीजमेंट वेरियस फोरम पे की, लोग पूरे हिंदुस्तान से बैठ के उनको ऐप पर या किसी पर ऑर्डर करते हैं। आज डिजिटल इंडिया का साधन क्या है, उससे वो पेमेंट एकदम से ट्रांसफ़र हो जाती है, वो पेमेंट उनको तुरंत दिख जाती है कि मेरे खाते में पैसा आ गया, वो माल को डिस्पैच कर देते हैं। तो पहले क्या था, आपकी जो सीमा थी वो अपनी दुकान तक थी, जो आपकी दुकान पर कस्टमर आया आप उसी को माल दे सकते थे। आज आपने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया, आप पूरे हिंदुस्तान में माल दे सकते हैं। मेरा जो तजुर्बा रहा है GST में तकलीफ जो सबसे बड़ी है, मैं कहूँगा 80-90% तकलीफ उस बात की है कि लोग जानकारी या अपने डाउट्स को दूर करने के लिए रीच आउट नहीं करते। अगर मैं कहूँ कि सरकार ने या बहुत सारी एजेंसीज जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है, उन्होंने और सरकार के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने जो रीच आउटरीच प्रोग्राम किया, जितने लोगों को GST के बारे में जानकारी दी, ऐसा कैंपेन हिंदुस्तान में कभी नहीं किया गया। अखबारों में एडवर्टीजमेंट किए गए, सेमिनार्स किए गए, मैंने खुद 100 से ज़्यादा सेमिनार्स में भाग लिया। अगर आपको पता लगता है कि आपके शहर में सेमिनार हो रहा है, अखबार में ऐड आ रही है, एक व्यापारी को अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही और वो उठ के अपने कंसल्टेंट से, अपने अकाउंटेंट से, अपने वकील से या किसी अपने टैक्स ऑफिसर से बात कर सकता है, जी ये चीज मुझे अगर समझ नहीं आ रही, तो अपना माइंड ओपन रखना चाहिए, माइंड ओपन रखना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, सवाल पूछो, जवाब पाओ, काम करो। बिल्कुल। और जैसे HostBooks का भी मेरे को कुछ लोगों ने फीडबैक दिया कि HostBooks को आप कॉल कर लो, वो ये पूछते नहीं कि आपके पास हमारा सॉफ्टवेयर है या नहीं है, आप उनसे सवाल पूछो वो भी जानकारी देते हैं। तो बहुत सारे आपके पास एवेन्यूज हैं, लेकिन आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा अपने डाउट को क्लियर करने के। कपिल, HostBooks कैसे मदद कर रहा है GST की इम्प्लीमेंटेशन और अडॉप्शन में? जैसा कि अभी एक्सपर्ट ने बताया कि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड टैक्स है, और आपने भी मेंशन किया है कि विदाउट टेक्नोलॉजी इट इज़ नॉट सक्सेसफुल और आप कंप्लायंट नहीं हो सकते। सो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि एक ट्रांजेक्शन का पूरी ट्रैकिंग करना, स्टार्ट से लेके एंड तक ट्रैकिंग करना, और वहाँ पे HostBooks की इम्प्लीमेंटेशन के लिए HostBooks जैसे सर्विस प्रोवाइडर की ऑफरिंग है SMEs को कि वो सोर्स लेवल पे प्रॉपर डेटा फीडिंग करके कंप्लायंट हो सकते हैं। लास्ट स्टेज तक का एंड टू एंड सॉल्यूशन HostBooks प्रोवाइड करता है। अपने GST इम्प्लीमेंटेशन में हम लोगों ने एक ऐसा ऑटोमेटेड सॉल्यूशन बनाया है जिसमें आप
ऑटोमेटेड फीड हम लोग बैंक से और आपके इनवॉइसेज से उठाते हैं, और ऐसा सिस्टम बनाया कि उसमें एरर फ्री सिस्टम है, आपका जीएसटी नंबर अपडेट हो जाएगा, आपकी लोकेशन वगैरह ट्रैकिंग हो जाएगी, जो माल की सप्लाई ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई है वो आप फिक्स करेंगे, और जैसे जितने भी आइटम आप गुड्स में आप सेल करते हो तो वो एचएसएन के साथ कनेक्टेड है, तो उसमें रेट ऑफ टैक्स भी प्रॉपर आएगा, उससे एरर फ्री आप अपना अकाउंट मेंटेन कर सकते हो और आप कंप्लेंट हो सकते हो। एंड टू एंड सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं HostBooks में SMEs के लिए। कपिल, जैसे आप हमें बता रहे थे कि एक फुल्ली ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर आप दे रहे हैं बिजनेसेस को, तो आप हमें एग्जांपल से दिखा सकते हैं कि कैसे इन्फॉर्मेशन कल आउट होता है, सिंगल एंट्री, क्या एंट्री करनी पड़ती है हमें मैन्युअली, और आगे जाके कैसे ऑटोमेट होता है? देखिए, ऑटोमेशन एक प्रोसेस है जिसमें मैनुअल चीज़ों को हमने रिड्यूस किया है। मैं इसका एक एग्जांपल आपके लिए लूँ। लेट से आप एक रेंट की पेमेंट करते हैं और आपको उसका रेंट की पेमेंट का इनवॉइस आता है और उसकी आप बैंक से डायरेक्ट पेमेंट करते हैं, तो हम लोगों ने ऐसा सिस्टम बनाया है, दिस इज़ ऑल इन वन सॉल्यूशन। अब इसमें आपके इनवॉइस भी आएगा, आपके ऊपर जीएसटी भी अप्लाई है, और आपके ऊपर टीडीएस भी डिडक्ट करना है, और आपको पेमेंट भी करनी है। तो लेट से आपको एक इनवॉइस आया, वो इनवॉइस जनरेट हुआ है, आपने उसे पंच किया, उसकी पेमेंट आपके बैंक से गई है, तो हमारा सॉफ्टवेयर डायरेक्ट बैंक से स्टेटमेंट और बैंक फीड डायरेक्ट लेता है। उसमें आप रूल क्रिएट कर सकते हो कि इस पार्टिकुलर एंटिटी को या इस पार्टिकुलर पार्टी को मेरी रेंट की पेमेंट जाती है, तो उसमें ऑटोमेटेड वो जो पेमेंट आएगी उस पर जीएसटी की क्या एप्लीकेशन है, कितना टैक्स उस पर जीएसटी चार्ज किया है, उसका इनपुट ऑटोमेटिक चला जाएगा, रिटर्न तक का फाइलिंग हो जाएगी, और कितना टीडीएस कटा है वो टीडीएस के रिटर्न में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो हमने कोशिश की है, मंथली ऑटोमेटेड है क्योंकि रेंट हर मंथ जाता है अपने आप। या यू कैन क्रिएट इट रेकरिंग, एवरी मंथ इट विल बी ऑटोमेटिकली जनरल एंट्री पोस्ट हो जाएगी, और एंड टू एंड सॉल्यूशन में ये आपके रिटर्न तक अपडेट हो जाएगा, आपको मैनुअल इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जब मैनुअल नहीं करना पड़ेगा तो ये एरर फ्री है, इसमें कोई अमाउंट का एरर, कोई पार्टी के नाम का एरर या कोई पार्टिकुलर अकाउंट का एरर नहीं आएगा, और ये आपको हेल्प करेगा कंप्लायंस में, लाइक जीएसटीआर 9 फाइल में जो मैचिंग की प्रॉब्लम आती है वहाँ तक का सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है हरीश, आप बिजनेसेस के साथ काम करते हैं, तो HostBooks जो का सोल्यूशन जो बिजनेसेस यूज़ कर रहे हैं उस पर प्रोसेस स्पीड अप कैसे हो गए? आप काफ़ी समय से उनके साथ काम कर रहे हैं, पहले उनके क्या स्पीड और एफिशिएंसी थी, HostBooks के सोल्यूशन यूज़ करने के बाद क्या स्पीड एंड एफिशिएंसी दिख रही है? अपन अगर किसी बिजनेसमैन की बात करें तो अगर बिजनेस में उसको सबसे पहले एक इनवॉइस काटना होता है, वो हर महीने इनवॉइस काटे, अलग अलग इनवॉइसेस काटे, फिर उसकी एक जीएसटीआर रिटर्न फाइल करे, अगर उसको ईवे बिल बनाना है तो उसके लिए अलग काम करे, फिर अगर उसको टीडीएस रिटर्न फाइल करनी है तो उसके लिए वो अलग करे, तो एक काम को करने के लिए उसको मल्टीपल काम्स करने पड़ते हैं जिससे उसका टाइम बढ़ रहा है। HostBooks में क्या है कि अगर मैंने एक बार इनवॉइसिंग करी सिस्टम में, उसके बाद मैंने अगर रूल सेट कर दिए कि ये इसका जीएसटीआर में जाएगा, ये इसका ईवे बिल में जाएगा, और इसका मैंने टीडीएस इस हिसाब से कट जाना चाहिए, तो मेरी एक इनवॉइसिंग एंट्री केवल मेरे को करनी है, और उसके बाद मेरा जो बाकी काम है वो ऑटोमेशन में चला जाएगा। वो मेरा सॉफ्टवेयर वो अपने आप उस रिपोर्ट्स को जनरेट करेगा कि ये टीडीएस इसका फाइल बन गया है ई फाइलिंग के लिए, ये जीएसटीआर के लिए फाइलिंग बन गया है, ये ई वे बिल के लिए बन गया है, तो उसको अलग अलग एंट्रीज नहीं करनी पड़ेंगी, उसको सिंगल एंट्री से वो पूरा ऑटोमेशन जाएगा, उसका टाइम कंज्यूम होगा और उसका मैन पावर भी बचेगा। तो अगर आपके जो बिजनेस यूजर्स हैं, अगर आपके पास आके कहते हैं एक सबसे पहली चीज़, द बिगेस्ट थिंग आई एम हैप्पीएस्ट अबाउट आफ्टर यूजिंग HostBooks इज व्हाट, सबसे ज़्यादा उनको बेनिफिट क्या है, कम टाइम, सबसे ज़्यादा बेनिफिट उनको क्या लगता है, आपको किसी ने कोई फीडबैक दिया है इसके बारे में? सबसे ज़्यादा तो उसका टाइम कंज्यूमिंग कम हो रहा है, आज के बिजनेसमैन के लिए उसका टाइम सबसे ज़्यादा मनी के बराबर है, उसका टाइम ज़्यादा डिवोट अगर वो अपने बिजनेस में करे रादर देन कंप्लाइंस के, तो वो आज मैं अगर कोई बिजनेसमैन होगा वो बोलेगा मैं बिजनेस बढ़ाऊँ कि कंप्लाइंस के पीछे चलूँ, तो अगर उसका काम कम बिजनेस को लेकर बढ़ाने के लिए चलता है और कंप्लाइंस के लिए उसके पास कम हो जाता है तो वो उससे खुश होता है। कपिल, जब हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो क्लाउड कंप्यूटिंग से बिजनेसेस को क्या फ़ायदा होता है? आपके ऑपरेशन में आपको हेल्प होती हो पर बिजनेस को भी कोई फ़ायदा होता है? दैट्स ए गुड क्वेश्चन अनीशा। लाइक आपने सुना होगा कि क्लाउड इज़ द फ्यूचर, सो क्लाउड इज अगेन द फ्यूचर फॉर अकाउंटिंग,
अभी जैसे जीएसटी रिजीम टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, विदाउट टेक्नोलॉजी अडोप्शन और विदाउट सॉफ्टवेयर आप कंप्लायंट नहीं हो सकते। इसमें बिजनेसेस के लिए क्लाउड के कई बेनिफिट्स हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अभी एक मिथ है, लोग सोचते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज नॉट सिक्योर, वो क्लाउड के किसी थर्ड पार्टी क्लाउड पे डेटा मेरा पड़ा हुआ है और वो इनसिक्योर है। ये एक मिथ है। क्लाउड अकाउंटिंग इज मोर सिक्योर देन और क्लाउड कंप्यूटिंग इज मोर सिक्योर देन डेस्कटॉप और आपके इन हाउस जो सर्वर बेस्ड आपका प्लेटफॉर्म होता है उससे ज़्यादा सिक्योर है। क्लाउड जो हमारा HostBooks सॉफ्टवेयर है उसकी सिक्योरिटी आपके बैंक अकाउंट लेवल की, ऑनलाइन बैंकिंग लेवल की सिक्योरिटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उसके और कई बेनिफिट्स हैं, कॉस्ट इफेक्टिव ज़्यादा है। आपका जो नॉर्मल अकाउंटिंग सिस्टम और कंप्यूटिंग सिस्टम की जो नॉर्मल कॉस्ट आती है ये उससे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, कम कॉस्ट में आप इसे मैनेज कर सकते हो। तीसरा बेनिफिट है, क्लाउड अकाउंटिंग एनीवेयर एनी टाइम अवेलेबल है। मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा। ऑनलाइन से पहले मैनुअल फाइलिंग हम लोग डिपार्टमेंट्स में करते थे तो उसका कट ऑफ टाइम 5 बजे 6 बजे एक्सटेंडेड टू 7 o'clock तक होता था। अभी क्या फ़ायदा है ऑनलाइन का और क्लाउड अकाउंटिंग का कि आप नाइट में 12 o'clock तक, जबकि आपकी लास्ट डेट है, तब तक आप उस पर आसानी से फाइल कर सकते हैं और आप अपने ऑफिस से अपने घर से बैठ के फाइल कर सकते हैं। आपको लॉन्ग क्यू में जाने की ज़रूरत नहीं है, एनी टाइम एनीवेयर अवेलेबल है। अगला बेनिफिट ये है कि आप इसमें हमारे एक्सपर्ट भी काम करते हैं और हमारा अकाउंटेंट भी काम करता है, बिजनेस ओनर भी काम करता है। क्लाउड अकाउंटिंग पे कई लोग एक साथ काम कर सकते हैं। अब लेट से मेरा एक्सपर्ट है जो हमारा, या चार्टर्ड अकाउंटेंट है या एडवोकेट है, वो कहीं बिजनेस टूर पे या कहीं बिजी है, सो वो आपके साथ कोलेबरेट कर सकता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जैसे HostBook प्रोवाइड करता है, तो उसमें कई लोग एक साथ काम कर सकते हैं। अगर कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, या सवाल और डाउट से बियॉन्ड भी आप उन्हें एक्सेस प्रोवाइड करते हो, दे कैन रेक्टिफाई योर प्रॉब्लम। सो रियल टाइम पे जो आप देख रहे हो वो भी देख सकते हैं, चाहे आप एक जगह पे ना हो। या मेरा अगला पॉइंट यही है कि आपको क्लाउड पे रियल टाइम में आपका डेटाबेस और आपकी रिपोर्ट्स अपडेट हो रही है। अभी लेट्स से आपका अकाउंटेंट काम कर रहा है, पहले क्या होता था मैनुअल में, अकाउंटेंट अपडेट करेगा, उससे बाद में फिजिकल प्रिंट आउट निकाल के आप बिजनेस ओनर के सामने रखोगे तो तब उसे अपनी पोजीशन का पता चलता था कि मेरी पोजीशन क्या है। क्लाउड अकाउंटिंग में रियल टाइम में सारे रिटर्न्स, सारे रिपोर्ट्स अपडेट होती हैं और आपको अपने बिजनेस का आइडिया होता है कि मेरा बिजनेस जा कहाँ रहा है। तो ये सभी बेनिफिट्स है क्लाउड अकाउंटिंग के। और वो जो मिथ है कि ये सिक्योर नहीं है, ये इतना सिक्योर है जितना आपका बैंक में पैसा सिक्योर है, आपका डेटा उतना सिक्योर है। तो जो हम डेटा भर रहे हैं, अगर हम HostBooks का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में भी हेल्प होती है, तो कितना डेटा हम डाल सकते हैं? मतलब अगर हम ये सॉफ्टवेयर ले लें, हमें डेटा रखने के लिए क्या करना? देखिए, HostBooks में हमने बियॉन्ड क्लाउड कंप्यूटिंग, अभी क्या प्रॉब्लम है, जब मैं प्रैक्टिसिंग था मैंने भी देखा है कि हम लोग फिजिकल फाइलें मेंटेन करते थे। अब किसी पार्टिकुलर क्लाइंट की फाइल मिसिंग है, नहीं मिल रही है, या उसमें से कोई रिपोर्ट मिसिंग है, इसके लिए जैसे हम DMS डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑन क्लाउड, HostBooks हमारे अकाउंटिंग और टैक्स कंप्लायंस और GST कंप्लायंस का एक पार्ट है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग रियल टाइम में अपडेट, आपका बैंक अपडेट कर रहे हैं, उसमें मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। ऑटोमेटिक, लेट से आपने किसी पार्टी को इनवॉइस जनरेट किया है, पहले क्या होता था, जनरेट करोगे इनवॉइस उसे ईमेल से, या आप उसे फिजिकल फॉर्म में आप मेल के थ्रू, पोस्ट के थ्रू आप भेजेंगे। हमारे सिस्टम में क्या है, जैसे ही आपने इनवॉइस जनरेट किया, जो भी स्टेक होल्डर है, जो भी पार्टी इन्वॉल्व है, आप उन्हें डायरेक्ट वो शूट ईमेल कर सकते हैं, डायरेक्ट ईमेल उन्हें पहुंच जाएगा। उसके अलावा उसका ई वे बिल जनरेट होना है, वो भी डायरेक्ट आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हो, TDS का कंप्लायंस आप उसमें कर सकते हो, और बाकी बेनिफिट्स मैंने आपको बताए। और हम अपने यूजर्स को 10 GB डेटा, जो कि बिजनेस डेटा के लिए सफिशियंट एनफ है, अपना डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट करने के लिए, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में इस लेवल तक का सपोर्ट दिया है कि लेट से आपने किसी पार्टी से कोई एग्रीमेंट किया है और आपका एग्रीमेंट साइन होता है, या पार्टी का KYC है आपका, क्योंकि GST में या टैक्स में आपको KYC मेंटेन करना होता है, तो आपको HostBooks की ऐप से एक वो फोटो लेना है, फोटो से जो उसकी एंट्री होनी है, लेट से कोई बिल है, उसकी एंट्री भी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। या और डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में आप पार्टी का, जैसे ही आप एक लेजर क्रिएट करते हो या आप उसका एक मास्टर क्रिएट करते हो, वहीं पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि उसके आप KYC
स्नैपशॉट सेव कर सकते हो और उसे आप 10 साल बाद 5 साल बाद जब भी जरूरत हो या एग्रीमेंट की मेरी टर्म्स क्या है वो टर्म्स आप अपने डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट में वहीं देख सकते हो। विश्वजी, सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रही है, जीएसटी एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन टैक्स रिजीम है और अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज़ कर रहे हैं, इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं और ये मतलब क्या पता लगता है? जीएसटी से वैसी ट्रांसपेरेंसी आ गई है, आपने गुड्स लिए, इनवॉइस क्रिएट किया, इट्स ऑल ट्रांसपेरेंट, कितना आपने लिया, कितना टैक्स भरा, कितने में बेचा, इट्स ऑल ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंसी तो आ ही रही है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या और पता लग रहा है? बहुत अच्छा सवाल है ये। क्वेश्चन पे जाने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। सो एक होता है प्रेडिक्टिबिलिटी, मतलब कुछ चीज़ें होने से पहले आपको प्रेडिक्ट करना है कि चीज़ें हो रहा है। एक दूरदर्शी जो होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब जीएसटी रिजिम में ये हो गया इंटीग्रेटेड टैक्स, जितने भी टैक्स थे सारे मर्ज होकर एक ही टैक्स में हो गया, एक हमारा इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स जो अलग बैठा हुआ है। अब इसमें ऐसा है कि बायर एंड सेलर दो लोग हैं, जीएसटी के रिजिम में बायर एंड सेलर दो लोग हैं जो मेन पार्टी हैं इस टोटल टैक्स सिस्टम में। तो होता क्या है कि छोटे बायर भी है, बड़े बायर भी है, कंकरेंट बायर भी है, वन टाइम बायर भी है। अब मैं तो कुछ चीज़ें सप्लाई कर रहा हूँ आपको, आप उस चीज़ों को अपने इनपुट में ले रहे हो नहीं ले रहे हो मुझे पता नहीं होता है, और वो जो चीज़ें मैं आपको सप्लाई कर रहा हूँ वो आपके बिजनेस के लिए सही है ना नहीं है, कुछ फर्जी तो नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है एक बड़ा मुद्दा है सरकार के लिए। पर आप ये कह रहे हो कि अगर मैं जीएसटी कंप्लायंट हूँ, अगर मैं सब ठीक तरह से कर रहा हूँ तो आई एम ट्रांसपेरेंट, आई हैव नथिंग टू फियर। हाँ, अगर आप सही कर रहे हो तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। पर ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर एक चीज़ सही करे तो दूसरी चीज़ गलत ना करे, क्योंकि उनको पता लग जाएगा। ये सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम है, एक चीज़ से दूसरे चीज़ जुड़ा हुआ है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मैं किसी एयरलाइन की टिकट खरीद रहा हूँ, वो मेरे बैंक से पेमेंट कर रहा हूँ, जो बंदा मुझे एयरलाइन की टिकट बेच रहा है वो मेरे को जीएसटी का बिल काट रहा है, ट्रांजैक्शन डिफाइन हो गया। अब मैं जा रहा हूँ इनकम टैक्स रिटर्न जब भरता हूँ, मैं बहुत मिनिमल अमाउंट की इनकम टैक्स रिटर्न भरता हूँ, मेरी जो कंजप्शन है बहुत ज़्यादा है, बट मेरी जो रिटर्न है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और कैसे डिफाइन किया जाए? अब ये सरकार धीरे धीरे जितने भी सिस्टम है, टैक्सेशन सिस्टम है, सबको एक ही प्लेटफॉर्म में लेके आ रहा है, एक दूसरे के अंदर आपस में ट्रांजैक्शन जो है शेयरिंग हो रही है। हमें काफ़ी सारे सवाल भी आते रहे हैं दर्शकों के, जो जीएसटी कंप्लायंट है उनके पास काफ़ी सारे सवाल, और अभी हमें कुछ सवाल लेते हैं। HostBooks को भी ये सवाल मिले हैं, मनोज हैं जो आगरा से हमें ये सवाल भेज रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने जीएसटी तो अडॉप्ट कर लिया है पर उनके फ्रेंड ने उनको कहा है कि पता नहीं ये सेफ शायद नहीं है, क्लाउड में कुछ सेफ नहीं है, हैक हो जाता है, आपका डेटा सेफ नहीं है, मुझे नुकसान तो नहीं होगा। कपिल, क्या कहेंगे आप? देखिए, वो डिपेंड करता है कि क्या प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, हो सकता है वो एक अनरिलायबल रेफरेंस को लेके वो बोल रहे हैं, उनकी बात सच हो सकती है, बट एक आप प्रॉपर, एक हम लोग बोलते हैं HTTPS, आप किसी भी सिस्टम की जो आप प्लेटफॉर्म क्लाउड पे यूज कर रहे हैं, आप इनिशियल लेवल पे आप चेक कर सकते हैं कि वो लोग HTTPS इनिशियली यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वहीं से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मेरा जो सिस्टम मैं यूज कर रहा हूँ वो रिलायबल है या नहीं है। अब मैं HostBooks का रेफरेंस लूँ, मैंने आपको पहले भी बताया कि वी आर एज सिक्योर्ड एज योर बैंक वॉलेट और बैंक ट्रांजेक्शन, सो ये डिपेंड करता है कि आप किस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। एक और सवाल हमें आया है संजीव गुप्ता का लुधियाना से, वो कह रहे हैं कि जी हाँ, जीएसटी तो टेक्नोलॉजी वाला टैक्स है, तो जब मैं सरकार की साइट यूज़ कर लेता हूँ, आई यूज़ अ टेक एंड आई यूज़ द गवर्नमेंट साइट, वाई शुड आई यूज़ HostBooks सॉल्यूशन? विश्वजीत, क्या बोलेंगे आप? से ये बहुत सही क्वेश्चन है किसी आम जीएसटी यूज़र के लिए। हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि सरकार का जो सिस्टम है वो कंप्लायंस सिस्टम है, वो रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं है, बुक कीपिंग सिस्टम नहीं है। आपको रिटर्न भरना है, रिटर्न भरिए, बट सरकार की जो सिस्टम वो नहीं बता रहा है कि आपको कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अगर आप सही तरह रिकॉर्ड मेंटेन करोगे तभी आप सही रिटर्न भर सकते हो। तो दोनों बहुत अंतर है कि जीएसटी पोर्टल में आपको रिटर्न भरना है, रिटर्न भरोगे कैसे? आपके पास डाटा होना चाहिए, डाटा अगर सही से रिकॉर्ड नहीं किया आपने वो रिटर्न गलत होगा, रिटर्न गलत होगा तो आपके पास इम्प्लीकेशंस, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस है।
कपिल, HostBooks का कॉल सेंटर है, 24/6 कॉल सेंटर है, जहाँ सारे जो सवाल आपको मिलते हैं जीएसटी के रिलेटेड, उसके आप जवाब देते हैं। आप कोई अवेयरनेस कैंपेन्स भी कर रहे हैं ताकि लोगों को जानकारी मिले कि ऐसा एक सोल्यूशन है, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और अपनी कंप्लायंस का जो एफर्ट है कम कर सकते हैं। 24/6 हमने कॉल सेंटर स्टार्ट किया था, सॉफ्टवेयर भी जीएसटीएन के साथ में हम लोग डेवलप कर रहे थे। उसके अलावा हम लोग सेमिनार्स करते हैं और ट्रेड शोज में हम लोग इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं और बिजनेस कम्युनिटी को अवेयर करते हैं सॉफ्टवेयर से कि हाउ यू कैन मैनेज योर जीएसटी कंप्लायंस एंड रिकॉर्ड कीपिंग थ्रू सॉफ्टवेयर। इसके अलावा अब हम लोगों ने नया एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जो कि हम आगरा में सबसे पहले हमने ये पायलट बैच स्टार्ट किया है और उसमें हम लोग जो गवर्नमेंट का भी एक इनिशिएटिव है कि वो लोग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, तो अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स जो कि छोटे सिटीज में, हम लोग एक एजुकेशन कैंपेन चलाएंगे और उसमें हम लोगों को ट्रेन करेंगे कि हाउ यू कैन बी कंप्लायंट और यू कैन मेंटेन योर रिकॉर्ड्स एंड बी कंप्लायंट फॉर जीएसटी। तो आपने देखा कि आज हमने काफ़ी सारे सवाल लिए हैं आपके, जीएसटी को लेकर, टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, टेक्नोलॉजी से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है अगर आप जीएसटी भर रहे हैं। मैं अपने सारे गेस्ट को धन्यवाद करना चाहती हूँ जो इस शो में आए और सारे सवालों के जवाब दिए। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो एड्रेस है gst@hostbook.com। आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9114-8181 पर। सारे गेस्ट को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे दर्शकों को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।